यूपी की आजमगढ़ सीट से निरहुआ की जीत पर बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। आजमगढ़ सीट को फतेह करने के बाद हर तरफ चर्चा निरहुआ की हो रही है, और चर्चा हो भी क्यों ना। ऐसा कहा जाता है कि यूपी की आजमगढ़ सीट पर सपा का कब्जा रहा है, पर निरहुआ के जीत के बाद बीजेपी ने आजमगढ़ सीट पर अपना कब्जा कर लिया है। वैसे तो निरहुआ को जीत दिलाने के लिए नेताओं से लेकर अभिनेताओं ने अपना योगदान दिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह से लेकर मनोज तिवारी, रवि किशन और बीजेपी के कई बड़े नेता भी निरहुआ के चुनावी प्रचार में उतरे। पर निरहुआ के जीत में एक नायिका का अहम रोल रहा है, या यूं कहें कि ये जीत उस नायिका के कारण ही मिली है। कौन है वो नायिका जिसने निरहुआ को गायक और अभिनेता से नेता बना दिया? उस नायिका ने ऐसा क्या किया कि निरहुआ आजमगढ़ सीट से जीत गए? वो नायिका कोई और नहीं बल्कि निरहुआ के साथ कई हिट एल्बम और फिल्म में साथ काम कर चुकी है, या शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि निरहुआ की लकी चार में ये नायिका जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिल्मी सफर से लेकर निरहुआ के पॉलिटिकल सफर तक उनका साथ दिया। यही नहीं, ऐसा साथ कि दोनों ही क्षेत्र में निरहुआ को चमका कर ही दम लिया। ये नायिका कोई और नहीं गोरखपुर की वो हसीना है जिसकी खूबसूरती और अदाकारी के दीवाने लाखों लोग हैं। आम्रपाली दुबे, जिन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी निरहुआ को इस चुनाव में जीत दिलाने के लिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने निरहुआ के चुनावी प्रचार के लिए अपने कई शूटिंग तक को कैंसिल कर दिया। यही नहीं, दिन रात एक कर उनके जीत के लिए प्रचार करती रही और जीत मिलने के बाद ही शांत हुई। भोजपुरी जगत पर आम्रपाली दुबे और निरहुआ की जोड़ी को नंबर वन जोड़ी का टैग मिला हुआ है। पर्दे पर आम्रपाली दुबे और निरहुआ का दमदार प्रदर्शन फैंस को दीवाना बनाए रखने के लिए काफी है। जिस तरह आपकी नजरें आम्रपाली दुबे से नहीं हटती, ठीक उसी तरह निरहुआ की निगाहें सिर्फ और सिर्फ आम्रपाली को ही निहारती रहती है। ये वही आम्रपाली दुबे है जो 35 साल की हो चुकी है। एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से ताल्लुक रखती हैं। वो वही पढ़ी लिखी हैं, वही पली बढ़ी हैं। भोजपुरी में आने से पहले टीवी सीरियल्स तक में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से भोजपुरी में करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस 35 साल की उम्र में भी कुंवारी है, लेकिन अपने अफेयर की खबरों को लेकर वो हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो आम्रपाली शादीशुदा और दो बच्चों के पिता से प्यार करती हैं, जिसके साथ उनकी अफेयर की चर्चा हमेशा ही होती रहती है। वो कोई और नहीं बल्कि उनके को स्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ ही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दोनों को लेकर अक्सर मीडिया में खबरें आती रहती है कि वो रिलेशन में है। इस जोड़ी ने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, इसी वजह से तो एक बार इन्हें पति पत्नी तक समझ बैठे थे लोग। इन्हें फिल्मों के साथ साथ रियल लाइफ में भी साथ में काफी स्पॉट किया जाता है। यहाँ तक कि चुनाव के दौरान भी एक्ट्रेस को निरहुआ के साथ कईयों बार देखा गया था। वो उनके साथ आजमगढ़ चुनाव प्रचार के लिए भी गई थी, और यही वजह है कि आम्रपाली दुबे निरहुआ की लकी चार मानी जाती है।